गाड़ी चलाते हैं और उसका भयंकर एक्सीडेंट होता है, और उसमें फिर जब तक परिवार का कोई ना कोई सदस्य, मगर उसके साथ कई राइडर हैं बीच में, एक तो मुझे बड़ी चिंता है जब मैं ये सब कर रहा हूँ कि यहाँ ट्रैफिक का जाम नहीं लगना चाहिए, ये व्यापार मंडल को सुनिश्चित करना पड़ेगा ये ट्रैफिक का जाम जो है वो यहाँ ना लगे, ताकि ऐसा ना हो कि व्यापारियों को तो सुविधा हो जाए और जो गांव से लोग आते हैं उनको नुकसान हो जाए। तो ये कृपा करके इस बात को सुनिश्चित करें कि यहाँ कोई ऐसा ना हो कि पार्किंग स्थल बन जाए। तो ये पार्किंग स्थल नहीं बनना चाहिए, ये बस स्टॉप होगा जहाँ पर मैं रूट पढ़ूंगा कौन कौन से रूट की बसें आएंगी और बसें जाएंगी यहाँ से रुक करके, और हम प्रयास करेंगे कि जैसे सुंदर जी ने कहा कि ओरिजिनेट भी हो, कुछ बसों को ओरिजिनेट कराने का भी कोशिश करेंगे कि यहीं से स्टार्ट हो, दो चार बसें सिम्बोलिक करेंगे, उससे लगेगा कि भाई यहाँ का हुआ एसडीएम साहब यहाँ हमारे बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इससे जल्दी से जल्दी इनकी अल्टरनेटिव भूमि का चयन कर लें ताकि वर्कशॉप चली जाए, क्योंकि इसमें जैसे सुंदर जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि ये मार्केट है तो हम नीचे तो इसको बस अड्डा और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बस स्टॉप के लिए, और उसके ऊपर हम कमर्शियल सेंटर बनाएंगे ताकि आप लोगों का भी थोड़ा सा उत्थान हो सके और भी व्यापार जो है यहाँ कर सके, उस दिशा में हम अपना प्रयास करेंगे। वैसे ही डिजाइन देंगे कि नीचे का एरिया खाली रहे और उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, मुझे पता नहीं कमेटी में कितने फ्लोर जो है उनको परमिशन मिलती है, पर जो भी लीगल परमिशन मिलती है उस हिसाब से यहाँ पर हम कमर्शियल कम्प्लेक्स को डेवलप करेंगे। दूसरी बात, कई दिनों से मैं जब भी यहाँ आता हूँ, क्योंकि